मुझे मालूम ही नहीं था कि मधुरी माँ जा रही है, दो दिन पहले पता चला, पर ठीक है क्योंकि वो देखियो पर्सनल शो तो नहीं है ना, मतलब किसी का गेम में मेरे को फर्क यही, क्योंकि थोड़े लो हो गए थे वो, एक इमोशनल वहाँ अटैच वो था वहाँ पे। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि चलो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में आप बोल रहे हो जिस तरह से कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, वो भी मेरे को प्रोवोक कर रहे थे। सेकंड वाला जो हुआ इंसिडेंट वो गलत था। ये मैंने उनका जो स्टेटमेंट सुना वो स्टेटमेंट ये था कि मैंने मारा है, कुछ ब्लड तो नहीं आया, सूजन हुई है। बाहर आके उन्होंने बोला कि मैं उसकी फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ। बट फैमिली से क्यों मांगना, फैमिली को तो आपने अलग लेवल पे मारा है। जो भी है पहले उस बंदे को तो सॉरी बोलो जिसको आपने मारा है। ये ग्रुप में खेलना तो सही नहीं है लेकिन आपको खेलना पड़ता है। सेफ होना है, अपने आप को सेफ करना है, वोट लेना है किसी से तो ग्रुप में खेलना पड़ता है। एंटरटेनिंग, हम्बल, नाइस, सब कुछ वो सब दिख रहा है। कुकिंग तो घर पर नहीं करते तो वहाँ कर रहे हैं, वाओ। अरे रिएक्शन अच्छा था, लगा था कि हाँ ठीक है जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शो है जहाँ आप अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हो, वो क्या आप रियल वो दिखा सकते हो, और वो वैसा ही गेम चल रहा है उनका, जो रियल हैं वो जिस तरह से वैसे दिख रहे हैं। तो ये दोनों का आंसर था, गेम प्लान भी उनका अच्छा चल रहा है। नहीं मुझे मालूम ही नहीं था कि मधुरी माँ जा रही है, दो दिन पहले पता चला, पर ठीक है क्योंकि वो देखियो पर्सनल शो तो नहीं है ना, मतलब किसी का तो जा रही है, अच्छा है। वो एक अलग कंटेस्टेंट गई थी, मैंने पहले अंदर भी देखा, आई थिंक अरहान पहले गए थे मधुरी माँ से आए थे, और वो रश्मि उनका चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सनल अलग चीज़ है, वो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। देखिए पर्सनल, देखिए एक रिलेशनशिप में हैं वो लोग, थे आई मीन, और क्या होता है कि आप जब घर में जाते हो ना चीज़ें चेंज होने लगती हैं, क्योंकि आप पहले से रिलेशन में हो, और आपको जब घर वाले वो चीज़ जानते हैं और चीज़ के चलते आपको बोलते रहते हैं। भैया गेम में मेरे को फ़र्क यही, क्योंकि थोड़े लो हो गए थे वो, एक इमोशनल वहाँ अटैच वो था, पार्ट चल रहा था उनका और मधुरी माँ का, तो उस चीज़ में लोग खो जाते हैं, थोड़े खो जाते हैं। तो अदरवाइज उनकी गेम सही चली है, मधुरी माँ का रहना ना रहना उससे उनको कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जिस चीज़ के फ़ायदा आप, क्योंकि अगर मधुरी माँ कोई ड्यूटी नहीं करती थी तो उनमें बोला जाता था कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कर रही है, तो ये इस टाइप की जब चीज़ आती है ना, क्योंकि आज इसके पहले किसी ने अरहान को भी नहीं बोला था कि आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है, या रश्मि को किसी ने नहीं बोला कि आपका बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें हर्ट करती हैं। एक तो आप चाहते भी हो कि कोई एक लाइक उनकी बंदी, अगर मतलब एक्स हैं वो, अंदर जाते हो आप चाहते हो कि वो उन खुद का स्टैंड ले या लोग उनको ये करे, तो इस चीज़ से वो इरिटेट होते हैं। मैं उनको जितना पर्सनली जानता हूँ कि आप उनको बोलो ना अगर उनका कोई काम है तो ये इस चीज़ से अफेक्ट पड़ रहे थे, थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे थे जब लोग ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो गलत किया उन्होंने, देखो फर्स्ट वाला जो था उनका चप्पल वाला, वहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि चलो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में आप बोल रहे हो जिस तरह से कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, वो भी मेरे को प्रोवोक कर रहे थे, वो भी उनको प्रोवोक कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे थे, वो हो गया। बट सेकंड वाला जो हुआ इंसिडेंट वो गलत था। लाइक अगर पानी से स्टार्ट हुई है चीज़, और आपको लास्ट का मैं बताता हूँ कि लास्ट में जब उन्होंने पानी फेंका बिग बॉस के मना करने के बाद, जब वो अंदर से आ रही थी बहन जी तब भी करते हुए आ रही थी, तो उन्होंने पानी फेंका, चलो आप उस टाइम पर भी जवाब पानी से दे सकते थे, आपको वहाँ पर पैन उठा के मारना ज़रूरी नहीं था। तो वो अपनी गलती से और अपने इससे बाहर निकली हैं, और बाद में अगर ब्लेम उन्होंने किया है तो वो उनकी सोच है, उनकी गलती है। फिर अगेन रिग्रेट फील कैसे कर रही थी यार, मैंने उनका जो स्टेटमेंट सुना वो स्टेटमेंट ये था कि मैंने मारा है, कुछ ब्लड तो नहीं आया, सूजन हुई है, उनका एक स्टेटमेंट था। और ये चीज़ वो बाहर आके उन्होंने बोला कि मैं उसकी फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ। बट फैमिली से क्यों मांगना, फैमिली को तो आपने अलग लेवल पे मारा है। जो भी है पहले उस बंदे को तो सॉरी बोलो जिसको आपने मारा है। नहीं नहीं कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था, ठीक है लगा था कि 2 महीने बाद निकल लेंगे, एक डेढ़ महीने बाद मिल लेंगे, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था कि नहीं जा पाया अफसोस है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं फैमिली से मिलने के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता, जो होता है वो क्लियर होता है फैमिली के साथ। आगे आ रहे हैं, जगह बनाई है, अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि रश्मि एक काफ़ी नोन फेस हैं भैया के अकॉर्डिंग अगर देखा है कंपेयर में तो, और उस जगह पे अपना जगह बनाना, ये दो चीज़ों को क्लियर करता है कि वो एक वीक नहीं है जो लोग घर वाले बोलते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंटेनर हैं और आगे तक जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को लगता है फर्स्ट इंसिडेंट पास्ता वाला रियल फेस सबका दिखा वहाँ पे, तो वहाँ से भैया को मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा कि सबका रियल फेस दिखा कि क्या किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं एक छोटी सी चीज़ को, जिसने अपनी गलती एक्सेप्ट की, और उसके बाद भी 2 दिनों तक उनको चोर ऐसा चला था, तो वो पता चलता है कि क्या है, किस तरह से गेम खेलते हैं क्या है, इसलिए अच्छा है कि उनसे अलग हुए और
अगर ऐसा इंसिडेंट नहीं होता तो वो भी मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी एक ग्रुप के पार्ट होते हैं, सिद्धार्थ के ग्रुप के। एक ग्रुप में खेलना तो सही नहीं है, लेकिन आपको खेलना पड़ता है क्योंकि आपको सेफ होना है, अपने आप को सेफ करना है, वोट लेना है किसी से, तो ग्रुप में खेलना पड़ता है। लेकिन ऐसे ग्रुप में खेलने की ज़रूरत नहीं है जिसमें लोग मतलबी हों और प्रोवोक करके अपना काम निकालते हों, झगड़ा करके लाइन लट लेते हों उस चीज़ पे, आप उस चीज़ पे। तो आई थिंक इट्स गुड कि आप किसी टीम के पार्ट ना बनो, इंडिविजुअल खेलो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो जाता है, वो दो टीम है, एक टीम में आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो फिर दोनों टीम आपको नॉमिनेट कर देगी। देखिए उन सिद्धार्थ से जो झगड़ा हुआ था उसका एक रीज़न था, तो सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अच्छी, तो इसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उनसे तोड़ा। क्योंकि एक टीम में हो आप प्लानिंग कर रहे हो कोई चीज़, तो दोनों का ही इक्वल होना चाहिए वो चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डिसीजन ले लिया, आपने जो प्लानिंग कर ली, वो 100% सही है। अगर कोई बंदा उसमें आपको बता रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो उसको सुननी चाहिए। और सिद्धार्थ से निपटने का रीज़न है क्योंकि वो समझाने वाली चीज़ भी ना बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं, तो किसी को लगता है, किसी को जिसको साथ बढ़ना है बटरिंग करते हुए, वो सुन लेगा। जिसको नहीं सुनना है, जिसको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, वो नहीं रहेगा। रही भाई भैया को ये करने का गेम है, देखते हैं जिस मोड़ पे ऐसा कुछ होगा तो मे बी वो खेल रहे हैं अपने लिए, अपने अपने लिए तो सब खेलेंगे ना फिर। स्टूपिडिटी आई थिंक मैं कहूँगा पराग जी की, दो लोगों का बीच का गेम है बिग बॉस के बाहर, क्या इसको लेना। आपकी वाइफ ने भी तो बोला उसको ना, नल्ला तेरे बाप ने बोल ये कर, ये सारी चीज़ें जैसे मैं बोल चुका हूँ ये गलत है, उनको गेम तक ही रहने देना चाहिए था। और हाँ ऑब्वियसली बात है ये स्टूपिडिटी है अगर आप उन्हें उनको धमकी दे रहे हो, बोल रहे हो कि बाहर निकलो मारो। रश्मि से जो पूछा उन्होंने, पहले बोला कि वो कोई भी नहीं बोलेगा, खुद को भी नहीं बोलेगा। अगर दो लोगों में पूछा जा रहा है तो हमेशा उसको वीक बताएगा, अपने को कौन कौन वीक बोलता है। तो ऐसा चीज़ें वीक नहीं है, अब तक यहाँ तक गेम में बने हुए हैं। रश्मि से ज़्यादा वोट मिला उनको लास्ट में देखा जाए लोगों के, ऐसे मैं जितना मैंने ट्विटर और ये देखा हुआ है, लोग उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप थ्री में भी, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो वीक हैं। लोगों का बोलना है, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं घर में किसी ना किसी को, एंटरटेनिंग, हम्बल, नाइस, सब कुछ, वो सब दिख रहा है सब कुछ। कुकिंग तो घर पे नहीं करते, तो वहाँ कर रहे हैं, वाओ। आरती को शायद बोलते हैं, हाँ आरती को ही बोलते हैं। नहीं यार कोई नहीं है, विकास गुप्ता था वो कब का, और कोई नहीं है मास्टर माइंड, मेरे को नहीं लगता। थोड़ा बहुत पारस को बोल सकते हो, रीज़न है वो स्मार्ट गेम खेल रहा है, मालूम है कि उसके सिद्धार्थ से नहीं पटी थी, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ को उसने अपने ग्रुप में रखा है, लाइक जिस तरह से वो हैंडल करता है सिद्धार्थ को, आसिम हैंडल नहीं कर पाता था, तो स्मार्ट गेम खेल रहा है वो। पहले वो सिर्फ माहिरा के साथ था, स्मार्ट गेम इसलिए भी सिद्धार्थ के पास गया और उसकी ग्रुप पड़ी हो गई सिर्फ। तो ये है थोड़ा मास्टर माइंड वाला गेम। घर का चोर माहिरा, पहला मैंने एक कल हिमेश आए थे तो उन्होंने बोला था, हिमेश रेशमिया जी ने, कि चाय पत्ती चुरा के रखा है। लेकिन मैंने इसके पहले एपिसोड में देखा है पारस और माहिरा ने बहुत बार चुरा के रखा है चाय पत्ती वत्ती, मुझे लगता है वही है। आसिम भैया हैं, मतलब है रीज़न है, जिस तरह से वो खेल जाते हैं इमोशनल थोड़ा सा हो जाते हैं, फूल हो जाते हैं। आरती एहसान फरामोश माहिरा बेस्ट पर्सनालिटी इन बिग बॉस 30 बेस्ट पर्सनालिटी इन बिग बॉस 30 भैया बिग बॉस 13 विल बी नोन फॉर सिद्धार्थ शुक्ला आई थिंक ओके लास्टली थ्री रीजंस व्हाई टू वोट विशाल डिजर्विंग है लॉयल है इंटरटेनिंग है और लोगों के मुकाबले मेरे को लगता है इंटरटेन करना है का मतलब ये नहीं है कि आप झगड़ा करके इंटरटेन करो इंटरटेन करने के बहुत से तरीके हैं जब छोटे छोटे गेम होते हैं ना जिसमें डांस गाना ये सब होता है आप देखो उन्होंने 100% दिया है हर बार तो मुझे तो लगता है कि वही है फैंस को थैंक यू सो मच आप लोग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए आई थिंक अगर डिजर्विंग लगते हैं तो प्लीज़ वोट करो उनको